मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, टुडे इज हिंदी डे. ओके, सो वी हैव दिस बुक, यू ऑल हैव दिस बुक, शब्द मंजरी. टेक आउट योर बुक. इन लास्ट क्लासेस वी हैव, हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा था ना बेटा, ये सारा आपने कर लिया है, ये यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है ना, पेज नंबर 7 तक ये आपने पूरा कर लिया है. अब हमको पेज नंबर 8 पे, तो पेज नंबर पे ये आप स्किप कर देंगे क्योंकि ये अभी आपको आता नहीं है लिखना, ठीक है. अ से अह तक तो आप लिख सकते हैं, तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, यहाँ से अभी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है. उसके बाद हम ये वाली करेंगे, चित्र देखकर अक्षर पे गोला लगाओ. तो ये क्या है, क्या लग रहा है आपको, ये घर लग रहा है? तो घर किससे होता है, घ से घर ना. तो यहाँ पे देखो ज दिया हुआ है, घ दिया हुआ है, क दिया हुआ है, तो हम ऐसे गोला लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे. ओके, फिर हमको दिया ये क्या है, आम ना, क, क से तो आम नहीं होता, आ और ज, ज से भी नहीं होता, तो आ से होता है ना, आ से आम, तो ये सर्कल हो गया. ओके, फिर उसके बाद हम आ गए, ये क्या है, नल. तो यहाँ पे देखो न कहाँ है, व से तो नहीं होता है, ह से भी नहीं होता है, न से नल. तो इसी तरह आपको यहाँ पे सब पे सर्कल लगाने, जौन जौन से अप्रोप्रिएट व्यंजन है, जो भी व्यंजन है उसको देख के, मछली है तो म से मछली होती है, इमली है तो ई से होती है, और ये क्या है, ज्ञानी है तो ज्ञ से होता है, ऐसे डमरू तो ड से, एडक तो ऐसे, और ये रथ तो र से. तो ठीक है, ये सर्कल आप लगा लेंगे. ओके, नेक्स्ट बेटा ये इस पेज नंबर पे हम लोग आएंगे, चित्र देखकर चित्र के नाम के पहले वर्ण से मिलाओ, पहले वर्ण से मिलाओ, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, ये पपीता है ना, तो प से, छाता है तो छ से, ऐसे ही आपको देख देख के पहले जो अक्षर है इससे मैच करना है. कर लोगे आप लोग, कर लोगे, बहुत ईजी है. देखो डमरू है तो ड से होगा, ठीक है, जैसे हमने सर्कल लगाया वैसे यहाँ पे मैच करना है बस, अंडरस्टूड, ठीक है. मम्मा आपको बता देगी क्या करना, एक बार मैंने आपको बता दी, एक बार मम्मा बताएगी, फिर आप कर लोगे इजीली, बहुत इजी है बेटा. उसके बाद चित्र का पहला अक्षर लिखो, तो ये तो अभी आप नहीं लिख पाओगे, इसको छोड़ देना, इसको स्किप कर देना. ओके, नेक्स्ट हमारा पेज कौन सा है, ये हमारा पेज नंबर 9 था, अब हम 10 पे आएंगे. तो ये आपका 10 पेज नंबर है, देखो ये आपका 10 पेज नंबर है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो अक्षर वाले शब्द. ये बहुत इजी है, आप सारे अक्षर पहचान गए हो ना, स्वर भी पहचान गए, अ से अह तक भी आपको, अ से अंग तक भी आ गया, और आपको क से ज्ञ तक भी आपको रीड करना आ गया, आप पहचानते हो कि क कौन सा है, ख कौन सा है, ठीक है. अगर नहीं पहचानते हो तो आप एक बार और रिवीजन करोगे, और आज मैं एक आप, मैं पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि आप एक शॉर्ट वीडियो बनाइए जिसमें ना आप बच्चों को बताइए कि ये, पूछिए कि कौन सा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है ये, तो ये बच्चे बताएंगे, तो उससे मुझे क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ बच्चों को व्यंजन बच्चे पहचान रहे हैं, ठीक है. तो एक बार आप रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है बेटा. तो ये देखो बहुत सिंपल है, इस पेज को निकालिए, आप इस पेज को निकालिए, देखिए दो अक्षर वाले शब्द आपको रीड करना है जस्ट, ठीक है, रीड करना पहले. तो ये क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक फ्रूट का बास्केट दिख रहा है, फ्रूट का बास्केट दिख रहा है, और फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं ना. तो ये क्या लिखा हुआ पहला अक्षर, फ, और ये क्या सिंबल है, जमा का होता है ये, ल, पहचाने फ और ल को, पहचाना ना आपने, फ जमा ल, या हम इसको प्लस बोल देते हैं, ठीक है, तो फल हो गया. ओके, ऐसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये क्या है, ये क्या है, पहले पिक्चर देखनी है, पहले हमको पिक्चर क्या है, बस है ना, तो ब जमा स, बस, क्या बना, बस. उसके बाद ये नल है, न जमा ल, नल. पहले आपको देखना है ये क्या गिवन है, कौन सी पिक्चर गिवन है, उसके अंदर पढ़ना है व्यंजन, ये न है, ये ल है, ये नल. अगर आपने बेटा व्यंजन नहीं आपको आ रहे, नहीं पहचान पा रहे, तो आप ये नहीं कर पाओगे दो अक्षर वाले शब्द, इसलिए आपको रिवीजन करना है पहले, पहले आपको पहचानना है. अगर आप पहचान गए तो आप इजीली कर लोगे ये भी, ठीक है. अब मुझे पता है सब बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, सबने अच्छे से रीड करके सबको व्यंजन का
पता ही कौन सा व्यंजन है, सबने लर्न कर लिया है, ठीक है, सबको पहचान है। उसके बाद है र जमा थ, रथ। और जितना बेटा आप पढ़ोगे रीडिंग हैबिट जितनी अच्छी उतनी जल्दी आप पढ़ोगे, इसलिए बार बार बुक को रीड जरूर करना बेटा। और ये देखो स्नेक है ना, स्नेक, तो ये उसका फन, फन उसने निकाला हुआ है, ऐसे फन होता है स्नेक का, तो उसको फन बोलते हैं। तो फ जमा न, फन। उसके बाद ये देखो पढ़ रहा है, तो प जमा ढ, पढ़ पढ़ पढ़, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको ना एक बोर्ड पे एग्जांपल बताती हूँ, देखो बेबी ये देखो ये आपका बोर्ड है, यहाँ पे हमने लिखा, मान लो यहाँ पे मैंने अभी पहला ही जो है फल, फल वाला ही आपको ले लेते हैं। तो ये देखो ये क्या है, प, बहुत अच्छा नहीं बना है, रुको इसको इरेज करो। देखो ये फ ल, ये देखो फ ल, फल। उसके बाद ज, ज से क्या होता है, ज से क्या होता है, जहाज ना, और ल, ज और ल, ये ल से लट्टू, तो क्या हुआ, जल, जल का मतलब पता है ना, पानी, पानी को बोलते हैं ना हम लोग जल, ठीक है। उसके बाद क्या, देखो ये क्या है, ट और ये ब, ट और ब मिलके क्या हुआ, टब, टब तो है ही सबके घर में बेटा, रीड जरूर करना आप ये एक एक वर्ड। उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें, क कैसे कबूतर, ब कब, ये हुआ कब, ठीक है। एक बार देखो फिर से, फ जमा ल, फल, ज जमा ल, जल, त जमा ब, टब, क जमा ब, कब, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी रीड करना है, ठीक है, रीड करनी है बुक, अच्छे से रीड करनी है मम्मी की, मम्मा के हेल्प से। ये पूरा ये आपको ये एक्सरसाइज आप कर लोगे, 7 पेज नंबर की, 7 नहीं 8 की, ये वाली और ये वाली, ये ऊपर वाली और ये, और यहाँ पे अ से ह तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये 9 वाला रीड करना है बेटा, रीड आपको जरूर करना है, बस यही रीड करना। उसके बाद फिर हम कल ये, हम नेक्स्ट क्लास में ये वाला रीड करना, नेक्स्ट क्लास में भी ये वाला कराऊंगी, बट एक बार आप घर पे ज़रूर इसकी रीडिंग लगा लेना, ठीक है, इनकी आप घर पे ज़रूर रीडिंग लगाना। और बेटा व्यंजन आपको पहचानने आने चाहिए, पहचानोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे पता चलेगा आपको ये कौन सा अक्षर है। इसलिए इस पर एक वीडियो मुझे ज़रूर चाहिए सब बच्चों का, कि आप व्यंजन पहचान रहे हो, मम्मा पूछ रही है कि राइट कर रही है ये कौन सा व्यंजन, आप बता रहे हो कि हाँ मम्मा ये क है, चाहे ख है ग है जो भी है, ठीक है। और हमने ये, हम ये पेज कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हम ये वाला पेज करेंगे, पेज नंबर 4th से, 2nd 3rd हम कर चुके हैं। इस कॉपी में देख लो ये पहले अच्छे से, हिंदी की कॉपी है, फर्स्ट बुक, SA फर्स्ट बुक, ओके। इसमें से हम ये दोनों पेज करेंगे, ये आज आपको लिखना है, अ, ये अ है ना, अ लिखना है और आ लिखना है, ये दोनों पेज आप कर लेना कंप्लीट, ठीक है। अब डेली आपको एक राइटिंग ज़रूर लिखनी है, दो दो पेज, ज़्यादा नहीं है इसमें, छोटा छोटा ही है, तो दोनों पेज ज़रूर लिखनी है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की आप एक एक पेज अपने से लिखा करो, जिससे आपकी राइटिंग हैबिट बनी रहे, अंडरस्टूड। चलिए तो आप ये बुक एक बार रीड करेंगे, और जो इसमें वर्क गिवन है उसको सेंड करेंगे, और एक वीडियो ज़रूर सेंड करेंगे, वीडियो इज़ मैंडेटरी, वीडियो बहुत मस्ट है आपको भेजनी,
कि आप व्यंजन पहचान रहे हो कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा व्यंजन पहचान रहे हो। अंडरस्टूड? चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।